जिनको कला में कुछ नहीं आता वो भी 45 नंबर का ये ड्राइंग जरूर बना लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, बस आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। इस कलर को आप यहाँ पर जो है, ये वाटर कलर है, आप इसको इस तरह से करिए। जैसे जैसे कर रहा हूँ देखिए, आप अभी 5-10 मिनट के अंदर एक अच्छा सा प्राकृतिक दृश्य बना देंगे, ठीक है। जिस कलर का मैं यूज करूँगा, जैसे मैं करूँगा, सिर्फ वैसे आप सभी को करना है, ठीक है। अब देखिए, इस कलर का प्रयोग करके इस तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ करिए। और ये कलर जो है लाल और पीले को मिलाकर बनाया गया, ये जोगिया कलर कहलाता है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे किया जा रहा है, बस ऐसे देखकर करिए, कितना सरल और सिंपल है। आप 45 नंबर लूट जरूर लोगे, ठीक है, बस देखते चलिए। और अगर ड्राइंग आपको सीखनी है, परसों आपका पेपर है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्राकृतिक दृश्य का 3 वीडियो मैंने पहले ही बनाकर प्लेलिस्ट में रखा है, उन वीडियोस को भी आप जाकर देख लें। जैसे जैसे किया जा रहा है वैसे वैसे आप करें इसको। ये देखिए सूरज बनाया गया है, ठीक है, इस तरह से आप सूरज बना लीजिए। अब जो सूरज बनाए हैं उसके ऊपर आप लाल कलर कर दीजिए, ताकि वो काफी अच्छा और सुंदर दिखे। और ये जो जोगिया कलर है, इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा लाल लाल कलर कर दीजिए। अब ये पहाड़ बन रहा है, जो कि कत्थे कलर का यूज करना है, ठीक है। पहाड़ बनाना बहुत आसान होता है, करना कुछ नहीं, बस ब्रश के सहारे आप बनाइए इस तरह से। अभी देखिएगा खूबसूरत आकृति निकल कर आएगी। ऐसे पूरा रंग दीजिए, फिर इस तरह से करिए। इतना तो सब कर ही सकते हैं। देख रहे हो ना, ऐसे करना है। थोड़ा सा पहाड़ जो है डार्क करिएगा तो और अच्छा दिखेगा, जिस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। अब इस तरह से नीचे कलर कर दीजिए, थोड़ा हल्का है अभी अभी, जैसे मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से कर रहा हूँ उसी तरह से आप यूज करिए। ठीक है, इस तरह से करिए, देखिए। अब देखिए ये पेंट तैयार किया जाएगा यहाँ पर। अभी आप कत्था कलर यूज करिए। इधर भी पेड़ बनेगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। अब देखिए पानी का यहाँ पर बनाया जाएगा, जो नदी होती है, इस तरह से बस बनाते रहिए। अभी एक अट्रैक्टिव जो क्या कहते हैं, नेचुरल ड्राइंग है, वो आप सबके सामने दिखाई देगी। अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव नेचुरल ड्राइंग। तो लगभग नदी भी बन गया है, पेड़ बन गए हैं। अब झोपड़ी और पेड़ की पत्तियों को बना देना है और पक्षियों को उड़ते हुए दिखाना है। तो एक अच्छी सी ड्राइंग आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी, और नहीं 45 तो 40 नंबर एग्जामिनर देगा।
पत्तियों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हरे और थोड़े से पीले कलर का संयोजन करके इस तरह से आप यहाँ पर कर देंगे तो बहुत अट्रैक्टिव आकृति आपकी दिखेगी। ठीक है, ये पेड़ की पत्तियाँ हैं, बस ऐसे ऐसे करना है आपको। इधर भी ठीक वही प्रोसेस करिए और एक पत्ती जो यहाँ पर है आप बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए काले कलर का यूज करके चिड़ियों को बनाइए। चिड़िया कैसे बनाया जाएगा, ये देखिए, ये बस बन गई चिड़िया। ठीक, ये उड़ने लगी। ठीक, चिड़िया उड़ने लगी, सूरज बन गया, पेड़ बन गया, पहाड़ बन गया, नदी बन गया, वे झोपड़ी बाकी है भैया, झोपड़ी भी बनेगा। अब देखिए झोपड़ी स्टार्ट हो रही बनना सर, इसके ऊपर अभी काले से इसको बनाइए झोपड़ी, उसके बाद इसके ऊपर जो है पीला लगा दीजिएगा। नदी है तो नाव है, नाव है तो नदी है, मतलब नाव बनाया जा रहा है। देखो घास भी भाई रहनी चाहिए आसपास, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक, हरी कलर की घास इस तरह से घास उगा दीजिए, जहाँ जहाँ किया ज़रा सब देख लीजिए ध्यान से। तो ये घास उग चुकी है, यहाँ पर जो है देखिए ये एक सजावटी वाला जो पेड़ है, अशोक का पेड़ शायद इसे कहते हैं, इस तरह से इसको बना दीजिए और अच्छा लगेगा आपकी ड्राइंग। ठीक है, ब्रश हिलाना और कुछ नहीं करना, ब्रश हिला कर देना। पेड़ है तो तना तो बनाओगे, बिना तना का तो कोई पेड़ होता नहीं, इसलिए इसके तने बना दीजिए ताकि दिखे कि ये पेड़ है। घर में पीले कलर को इस तरह से पोत दो। तो इस तरह से आपके सामने एक प्राकृतिक चित्रण बना दिया गया है, और इसी तरह से आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर सफलता हासिल होगी। और जो है थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से कर दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।